एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए ये चैनल भी स्पेशली फ्रॉम टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बनाए हैं, तो टेक्निकल स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले, 1 से लेकर 6 तक कवर कर चुके हैं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। PDF तो हम टेलीग्राम पे शेयर कर ही देते हैं, लेकिन आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होने वाली है, और साथ में क्लास भी मिल जाएगा। क्लास एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो एटलीस्ट सभी एग्जाम में आपको ये क्लास काम आ जाएंगे। सिर्फ इसी एग्जाम में और भी नॉन टेक का क्लास एक ना एक बार तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। एंड पहला क्वेश्चन देखें, भारत के साथ किस देश के स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाली गैस सबसे छोटी गैस भूटान के साथ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाली गैस को समझाने के लिए मैंने इस डायग्राम को सेट किया। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है, लगभग 4000 से भी अधिक किलोमीटर लगती है। फिर चीन के साथ 3400, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर। मतलब सबसे कम जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ लगती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो भूटान था, हमने भूटान को टिक लगा के चले आए हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए टेक्निकल एग्जाम होता है तो नॉन टेक बेसिक ही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पढ़ना जरूर है ना। एंड क्वेश्चन टू देखिए, निम्न भारतीय राज्यों में से किस राज्य का कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात के साथ समुद्र सीमा लगती है, गोवा के साथ भी लगती है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राजस्थान के साथ कोई भी सीमा यहाँ पे बात करने वाले नहीं लगती है। सी करेक्ट आंसर होगा। इसे समझाने के लिए मैंने मैप का यूज किया। यहाँ पे देखते हैं राजस्थान, और यहाँ पे क्या समुद्र सीमा है? जी नहीं, यहाँ पे समुद्र गुजरात के साथ लगती है, यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ लगती है, गोवा के साथ, केरल के साथ, कर्नाटका के साथ समुद्र सीमा लगती है, लेकिन राजस्थान के साथ नहीं लगती है यहाँ पे, है ना। तो गाइस बेसिक होता है यहाँ पे। एंड थ्री क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? 1973 में, 1947 में, 1952 में या 1935 में? तो 1972 में गैस पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में संविधान लागू हुआ था 1973 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन फोर देखें, वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? 39%, 79%, 21%, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, इसका आंसर हो जाएगा 21% हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको समझाने के लिए मैंने इस डायग्राम का यूज किया। नाइट्रोजन देखें हमारे वायुमंडल में 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.4, फिर अदर गैस होते हैं 0.96%। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है गैस यहाँ पे। और हाँ, मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, केवल 149 रुपये में ही होने वाला है, और एग्जाम तक आपका सारा कुछ कम्प्लीट होगा। GS होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, है ना, रीजनिंग होगा, सारा कम्प्लीटेड होगा मॉक टेस्ट में। एंड अभी और भी मॉक टेस्ट और अपलोड होता ही जाएगा। 5 क्वेश्चन गाइस, मानव शरीर का पाचन अधिकांश किस भाग में संपन्न होती है? यकृत में, फेफड़ा में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में? अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो छोटी आंत हो जाएगी, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई काफी ज्यादा होती है, 5 से लेकर 6 मीटर की अप्रोक्स होती है छोटी आंत की लंबाई। और ये देख सकते हैं, ये है गैस छोटी आंत यहाँ पे, और ये है गैस बड़ी आंत यहाँ पे। नौ गैस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? निर्जली बर्फ को नहीं, पहाड़ों की बर्फ को नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को? बिल्कुल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, CO2 को कहते हैं, मोनोऑक्साइड नहीं हो जाएगा। सी को टिक ला के चले आइएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 7 क्वेश्चन है, कोशिकाएं में कौन सा भाग केवल पाद कोशिकाएं पाए थे? कोशिकाएं भित्ति, कोशिकाएं झिल्ली, लवक या उपयुक्त में से एक से? कोशिकाएं भित्ति हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 8 बात करें, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में? तो गदर पार्टी की स्थापना गैस 1913 में देखने को मिलती है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोलर एक्ट आपको याद है, और रोलर एक्ट अमृतसर आपको याद होगा, लागू कब हुआ था? 1909 में? जी नहीं, 1930 में नहीं, 1942 में, 1919 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृतसर आपको याद होना चाहिए, काफी सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे यहाँ पे। एंड 10 क्वेश्चन गए, साइमन कमीशन पहली बार आया था 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1942 में, 1928 में साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन जितने भी लोग थे वो अंग्रेजी थे यहाँ पे, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, भोपाल का जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो भुवनेश्वर किसका राजधानी है? तो उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर होती है, बी को टिक ला लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड गेस अगेंस्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है यहाँ पे, रीजनिंग का क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे 6 को 13 लिखा है, तो 11 को क्या लिखेंगे? तो 6 × 2 कर देंगे, 6 ना कितना हो गया 12, और प्लस 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13। अब 11 है तो 11 × 2 कर दीजिए, प्लस 1 जोड़ दीजिए, 11 × 2 = 22, प्लस 1 कितना 23 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सॉरी सी में है, तो सी को टिक ला के 23 के चले आइएगा यहाँ पे, और ये चीज़ को यहाँ समझाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन है गैस, क्वेश्चन है, इसको इस रूप में लिख कर सकते क्या? 8.3 × 10^6 वो जी उठा सकते हैं, 2 1 2 3 4 5 6, अब 6 जीरो हो गया,
तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा क्या, 2 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 813, 4 को 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 2 0 कट गए, 2 2 4, 2 3 4, ये आंसर में है क्या कहीं, 2 2 4, ऑप्शन डी को टिक लगा के चलिए। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। अब एंटोनियम है, एंटोनियम विलोम्स होता है, जैसे कि आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल मतलब एक समान हो गया, एक जैसे ना, एक जैसे, तो सिमिलर भी एक जैसे ही होता है, कोरस्पॉन्डिंग भी एक जैसे ही होता है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन डी में है डिफरेंट, तो डी को टिक ला के चलिएगा। डिफरेंट अलग अलग हो गया है ना, आइडेंटिकल हो गया एक समान, डिफरेंट हो गया अलग, तो एंटोनियम क्या होता है, विलोमित होता है, तो यही है क्वेश्चन है ना। तो कुछ इस रूप में था, भले ही क्वेश्चन में कम डालता हूँ लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस। नॉन्टे का क्लास है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए ये 700 है, आपको डिस्काउंट हो जाएगा, 500 रुपये ही पड़ेगा, लेकिन आप कूपन कोड भी यूज कर लीजिएगा, IREL कूपन कोड यूज कीजिएगा, तो डिस्काउंट हो जाएगा। मॉक टेस्ट ज्वाइन करना हो तो 149 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्लास वगैरह है तो उसमें मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा कंप्लीटेड। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।